हेलो। देखिए, हम पढ़ रहे थे सिलेजिनेला की जो बीजाणुविद है उसकी आंतरिक संरचना। ठीक है, तो हम इसमें जड़ की मतलब जड़ की राइजोफोर की और स्तंभ की आंतरिक संरचना देख चुके थे। अभी हमें कंटिन्यू करना था पत्ती की आंतरिक संरचना से। तो भाई, पत्ती की आंतरिक संरचना जो होती है वो कुछ इस तरीके की होगी कि मैंने आपको बताया था। कोई भी जो मतलब पादप है, मतलब कोई भी पादप अंग है, अगर हम उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें हमें बाह्य त्वचा, उसके बाद फिर कोर्टेक्स और अंदर रम्भ देखने को मिलता है। लेकिन जब भी हम पत्ती की बात करेंगे तो पत्ती क्या होती है? दरअसल इस प्रकार की होती है कि ये हमारी कोई पत्ती है तो ये इसकी पहली सतह, और ये मतलब ये ऊपरी सतह और ये निचली सतह। तो भाई क्या होगा, ये भी बाह्य त्वचा है और ये भी बाह्य त्वचा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऊपरी और निचली दो तरीके की बाह्य त्वचा देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके बीच में जो कुछ भरा हुआ है उसको बोलते हैं अपन पर्ण मध्योतक। ठीक है, बस इतना ही सिस्टम होता है इसमें। और इस पर्ण मध्योतक के बीच में क्या रहती है, मतलब रंभ वगैरह होते हैं। देखो, पत्ती के आंतरिक ऊतक सुस्पष्ट अभ्यक्ष तथा अपाक्ष बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा केंद्रीय संवहन पोल दर्शित करते हैं या दर्शित होते हैं। भाई क्या है कि जो हमारी पत्ती है उसमें तीन चीजें देखने को मिलेगी। खराटे नहीं, तीन चीजें देखने को मिलेगी क्या, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा और पर्ण मध्योतक। ठीक है, इसके अलावा फिर केंद्रीय संवहन पोल। देखो, अब पहला हम अगर बाह्य त्वचा की बात करें तो पत्ती के आंतरिक ऊतक एक सुस्पष्ट ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा से बंधे होते हैं। ठीक है, वे क्या होगा, जो बाह्य त्वचा है अब वो ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। तो पत्ती के मतलब क्या हुआ, जो आंतरिक ऊतक है, अंदर के ऊतक है, वो क्या है, ऊपर और नीचे की बाह्य त्वचा से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये मान लो नीचे की बाह्य त्वचा है और ये ऊपर की बाह्य त्वचा है, तो इसके बीच में जो ऊतक है वो इनसे बंधे हुए हो गए ना, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों बाह्य त्वचाएं एक स्तरीय होती है। भाई क्या बताया गया है, दोनों ही जो बाह्य त्वचा है वो क्या होगी, एक स्तरीय होंगी तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। भाई इनकी जो सेल्स है उनमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। सिलेजिनेला की पत्तियों में ऊपरी तथा निचली दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाएंगे। भाई बाह्य त्वचा में दोनों ही ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड क्या मिलेंगे, इसमें रंध्र मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पर्ण मध्योतक की। भाई निचली और ऊपरी बाह्य त्वचा के मध्य स्थित ऊतक, इन दोनों बाह्य त्वचाओं के बीच में क्या मिलेगा हमें, पर्ण मध्योतक। ठीक है, इसकी कोशिकाओं के बीच अनेक अंतरा कोशिक अवकाश पाए जाते हैं। भाई इसकी जो सेल्स हैं उसके बीच में क्या मिलेंगे हमें, अंतरा कोशिक अवकाश देखने को मिलेंगे। मतलब कि इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या मिलेगी हमें, जगह मिलेगी। पर्ण मध्योतक की सभी कोशिकाओं में प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। भाई जो पर्ण मध्योतक है, बीच में जो ऊतक भरा हुआ है, उसकी सभी सेल्स में क्या मिलेंगे, प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। भाई पत्ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट तो मिलेंगे ही देखने को, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 1 से 8 तक पाई जाती है। भाई एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं, 1 से 8 तक। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में तर्कु रूपी पाइरिनोइड संरचनाएं होती है। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पाइरिनोइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे संवहन पोल की। प्रत्येक पत्ती के केंद्र में सुस्पष्ट पुलाच्छद से घिरा केवल एक समकेंद्री संवहन पोल होता है। भाई एक पत्ती में एक ही संवहन पोल मिलेगा। ठीक है, इसलिए कैसा हो जाएगा, समकेंद्री। संवहन पोल के केंद्रीय भाग में जाइलम होता है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का एक वलय होता है। ठीक है,
मतलब कि सेंटर में क्या हो गया जाइलम, और इसके चारों ओर क्या हो गया फ्लोएम। फ्लोएम की नहीं, राइजोफोर की आकृतिक प्रकृति भाई, हमने जो जड़ के मतलब बाद में संरचना पढ़ी थी राइजोफोर, जिसको हम जड़ के समान ही बता रहे थे, अब उसकी आकृतिक प्रकृति का मतलब है कि उसकी जो स्थिति है ना वो थोड़ी विवादास्पद है। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि भाई उसको ना तो हम जड़ मान सकते हैं और ना ही उसको स्तंभ में गिन सकते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब कि उसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से ना तो हम उसको जड़ मान रहे हैं ना हम उसको स्तंभ मान रहे हैं। ठीक है, तो भाई कुछ वैज्ञानिक अपना मत देते हैं और कुछ वैज्ञानिक अपना मत देते हैं कि भाई इसमें ये गुण पाए जा रहे हैं इस वजह से तो इसको जड़ मान लिया जाए, और कुछ वैज्ञानिक कहेंगे कि नहीं भाई इसमें ये गुण पाए जा रहे हैं इसलिए इसको स्तंभ माना जाए। देखो देखते हैं, राइजोफोर की स्थिति तथा संरचना असाधारण होने के कारण इसकी आकृतिक प्रकृति विवादास्पद रही है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक जड़ है, जबकि अन्य वैज्ञानिक इसे एक शाखा मानते हैं। ठीक है, मतलब शाखा मतलब स्तंभ का भाग। ठीक है, राइजोफोर एक जड़ है भाई। अब ये पहला मत है कि वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, राइजोफोर क्या है, एक जड़ है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है क्योंकि, अब बताएंगे क्यों क्यों माना जाए इसको जड़। देखो, क्योंकि भाई यह अंग धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब गुरुत्वाकर्षण किस दिशा में लगता है, जमीन की ओर या धरती की ओर। ठीक है, तो ये भी कहां पे की तरफ वृद्धि कर रही है, जमीन की ओर, इसलिए ये कैसी हो गई धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। मतलब गुरुत्वाकर्षण तो लगता है जमीन की तरफ, और कोई मतलब जो भाग है पादप भाग है वो वृद्धि कर रहा है जमीन से ऊपर की तरफ, तो वो कैसी वृद्धि कर रहा है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, राइजोफोर जो है वो कैसी वृद्धि करेगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जबकि जड़े भी कैसी करती है, हमेशा जमीन की ओर बढ़ती है ना, इसलिए वो भी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसलिए बोल दिया कि भाई दोनों ही धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, इसलिए इसको जड़ मान लिया जाए। इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती भाई, अगर वो स्तंभ है या तने का भाग है तो उसमें पत्तियां पाई जानी चाहिए, जबकि उसमें कोई की और किसी प्रकार की पत्तियां नहीं मिलती। इसकी आंतरिक संरचना जड़ के समान है भाई, इसकी हमने बताया था ना आंतरिक संरचना भी लगभग जड़ के जैसी होती है। राइजोफोर में ऑक्सीन अभिगमन जड़ की तरह ही होता है, अतः इस आधार पर उन्होंने इसे जड़ माना है भाई। इसमें ऑक्सीन का जो अभिगमन है वो भी जड़ के समान ही होता है, इसलिए भी इसको जड़ मान दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने फिर अपना मत दिया कि भाई नहीं, इसको जड़ नहीं माना जा सकता। क्यों, क्योंकि इसको स्तंभ में रखा जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अब वो अपने अपने मत देंगे, क्यों रखें स्तंभ में। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा स्तंभ से अधिक समानता दिखाता है। उनका यह मत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है भाई, क्यों बोला उन्होंने स्तंभ है। क्योंकि देखो, पहला पॉइंट, इनमें मूलाच्छद व मूल रोमों का अभाव होता है भाई। अगर वो मूल का वो है, रूप है, जड़ है, तो उसमें रूट कैप भी होनी चाहिए और रूट हेयर्स मतलब कि मूल रोम भी होने चाहिए, जबकि उसमें ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम, स्तंभ मान सकते हैं। इनका उद्भव बहिर्जात होता है, जबकि मूलों का उद्भव अंतर्जात होता है भाई। मूल है तो उसका उद्भव भी अंतर्जात होना चाहिए, जबकि राइजोफोर का उद्भव कैसा होता है, बहिर्जात होता है। ठीक है, नियंत्रित प्रयोगात्मक दशाओं में राइजोफोर को पर्निल प्ररोह में विकसित किया जा सकता है, मतलब कि जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उनमें राइजोफोर को एक पत्तियों युक्त प्ररोह के रूप में भी क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। इसलिए भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्या है, स्तंभ का ही एक रूपांतरण है। तो अब हो गया ना कि भाई इसकी स्थिति कैसी हो गई, विवादों से घिरी हुई हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद क्या करते हैं वैज्ञानिक, इसको जड़ की तरफ ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी हम अब इसके मतलब बीजाणु उद्भिद में रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन को देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।